आज हमारा रिएक्ट जेएस का पांचवा लेक्चर है। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने सेट स्टेट के बारे में पढ़ा, और सेट स्टेट से पहले हमें कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के बारे में कुछ पढ़ना पड़ा था, जिसका मकसद सेट स्टेट के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करना था। तो सेट स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया था, जब हम सेट स्टेट का फंक्शन कॉल करते हैं तो बेसिकली रेंडर का फंक्शन दोबारा कॉल होता है, और रेंडर के फंक्शन में हमारी सारी यूआई क्रिएट होती है। आज हमने वेब सर्विसेज और एपीआईज के बारे में पढ़ना है। आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको ढेरों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो एपीआईज और वेब सर्विसेज के डिफरेंस के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इस बहस में नहीं जा रहे कि वेब सर्विसेज और एपीआईज में क्या डिफरेंस है। हम वेब सर्विसेज और एपीआईज को फॉर द टाइमिंग एक ही बात समझते हैं, और इसको लेकर रिएक्ट जेएस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। वेब सर्विसेज या एपीआईज क्या है? बिलफर्ज आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्रिकेट के बारे में कुछ मालूमात देना चाह रहे हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप टीवी से या किसी वेबसाइट से मालूमात लेते जाए और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको अपडेट करते जाए। इसी तरह अगर आप वेदर की इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये मुमकिन नहीं है कि आप वेदर की इन्फॉर्मेशन के लिए पूरा एक सिस्टम ऑर्गेनाइज़ करें और उसके बाद वेदर की इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम के ऊपर लगाएं। इसका हल क्या निकाला गया? एपीआईज और वेब सर्विसेज, यानी कि वो वेबसाइट्स जो ऑलरेडी ये काम कर चुकी हैं, जैसे क्रिक इन्फो है, वो क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह वेदर फोरकास्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बेशुमार प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। हम क्या करेंगे, उन प्लेटफॉर्म से वेब सर्विसेज के ज़रिए या एपीआईज के ज़रिए डेटा गेट कर लेंगे और अपनी वेबसाइट के ऊपर या वेब ऐप जो हम रिएक्ट जेएस में बनाने जा रहे हैं वो हम शो कर लेंगे। तो ये हम आज के लेक्चर में एपीआईज को इम्प्लीमेंट करना देखेंगे। हम जो एपीआईज का इसके बाद हम देखेंगे गेट और पोस्ट की एपीआई में क्या फ़र्क है। गेट की एपीआई को हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, पोस्ट की एपीआई को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इसी तरह कुछ और एपीआईज हैं, पुट और डिलीट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रेस्ट एपीआईज और सोप एपीआईज के बारे में क्या फ़र्क है। जेसन की पार्सिंग हम करके देखेंगे, और सिंपल एक आपके पास एंड में आखिरी लाइन में जो एक असाइनमेंट शो हो रही है वो क्या है कि आपने कुछ सिंपल टेक्स्ट फील्ड्स बनानी है, वहाँ से डेटा गेट करना है, उन पर वैलिडेशंस लगानी है। तो चलें पहले हम स्टार्ट करते हैं गेट की एपीआईज को इम्प्लीमेंट करने से। तो सबसे पहले गेट की एपीआईज का सैम्पल देखें ज़रा। ये सम टाइम आपको कंफ्यूज करती है कि गेट की एपीआई किस तरह होगी। ये सिंपल एक यूआरएल होता है, ये देखिए ये यूआरएल मैंने ब्राउज़र में क्रोम ब्राउज़र में हिट किया तो मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। अगर आपके पास रिजल्ट्स इस फॉर्म में ना आए तो समझे आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की। जेसन की एक एक्सटेंशन है, वो आप इंस्टॉल कर लें तो आपके रिजल्ट्स इस तरह शो होंगे। तो ये सिंपल एक गेट की एपीआई है, जिस यूआरएल को हम हिट करते हैं तो सामने हमें ये रिस्पॉन्स आ जाता है। इसी यूआरएल को हम अपने रिएक्ट जेएस के कोड में हिट करेंगे, ये रिजल्ट्स हमारे कोड में हमें एक्सेसिबल हो जाएंगे। उसके बाद हम जेसन की पार्सिंग करके इसमें से जो डेटा हमें चाहिए होगा, लाइक टाइटल और बॉडी हमें चाहिए, लेकिन आईडी और यूज़र आईडी फॉर एग्जांपल हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ अपनी नीड का डेटा जो है इसमें से गेट कर लेंगे। इसी को जेसन की पार्सिंग बोला जाता है। समटाइम क्या होता है, हम एपीआई को हिट करते हैं, जैसे मैंने इसको हिट किया तो रिस्पॉन्स आ जाता है एक्सएमएल में, तो उस सूरत में आपको एक्सएमएल की पार्सिंग करनी पड़ती है। फ़िलहाल हम ये गेट की एक ऐसी एपीआई पे काम करने लगे हैं जिसका रिस्पॉन्स जेसन में आ रहा है। ये एपीआईज मैंने कहाँ से हासिल किए हैं, ये आप प्रैक्टिस के लिए गूगल पे लिखे जेसन प्लेस होल्डर तो ये आपके सामने सैंपल एपीआईज की पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से आप एपीआईज गेट कर सकते हैं। ये देखिए पोस्ट, कमेंट और सारी एपीआईज, ये टेस्टिंग के लिए आपको दी गई हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका, एपीआई को या वेब सर्विस को, इस यूआरएल को अपने रिएक्ट जेएस के कोड में हिट करने से पहले आप पोस्टमैन रेस्ट क्लाइंट, ये जो देखे मैंने सामने ओपन किया, ये बेसिकली क्रोम की एक एक्सटेंशन ही आप कह सकते हैं जो कि एज ए सेपरेट प्रोसेस के तौर पर रन होती है। मैंने यहाँ पे इस एपीआई को पहले टेस्ट करूँगा क्या ये एपीआई ठीक है, यहाँ से गेट सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ से सेंड का बटन दबा दिया तो ये एपीआई रिस्पॉन्स दे रही, इसका मतलब ये एपीआई बिल्कुल ठीक है। इस सारी टेस्टिंग के बाद अगर हमारे रिएक्ट जेएस के कोड में ये एपीआई नहीं चलती तो इट मींस हमारे रिएक्ट जेएस के कोड में कोई इशू है।
तो अब हम अपने रिएक्ट जेएस के कोड में चलते हैं। ये सिंपल कोड जो मैंने वक्त बचाने के लिए पहले से ही कुछ लिख के रखा होता ताकि हमारा वक्त बच जाए। अब आप स्टेप सुन लें। एक तरीका तो ये है कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट भी एक फंक्शन मौजूद है जो APIs को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो मैंने एंड में कमेंट करके रख दिया। आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़रिए से भी आप रिजल्ट्स गेट कर सकते हैं। तो सिंपल एक API के लिए हमें कंपोनेंट डिड माउंट, ये देखें कंपोनेंट डिड माउंट, इसके अंदर मैंने सिंपल एक कोड लिखा है जो फ़िलहाल अभी कमेंट है। इसको मैं इस कोड को अनकमेंट करता हूँ। ये आपके सामने क्या है, एक्सियोज़ डॉट गेट। इस एक्सियोज़ को आपने ऊपर इम्पोर्ट करना है, ये देखें यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सियोज़ फ्रॉम एक्सियोज़। लेकिन ये सारा करने से पहले आपको एक्सियोज़ की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो टर्मिनल में आए, ये मैं रिएक्ट जेएस गेट के अंदर पहले से मौजूद हूँ। मैं क्या लिखूँगा, npm इंस्टॉल एक्सियोज़ माइनस माइनस सेव। तो ये मैंने एंटर किया तो चंद सेकंड्स में ये एक्सियोज़ की लाइब्रेरी हमारे रिएक्ट जेएस गेट का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। ये इंस्टॉल होगी, अब आप देखें, अब आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद आप कंपोनेंट डिड माउंट में आ जाएं। तो कंपोनेंट डिड माउंट में एक्सियोज़ लिखें डॉट गेट, उसके बाद ये पूरा URL जो भी मैंने आपको ब्राउज़र में हिट करके दिखाया, और उसके बाद डॉट देन रिस्पॉन्स। इसके बारे में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे कि ये रिएक्ट जेएस का में किस तरह से ये ब्लॉक्स किस तरह वर्किंग करते हैं। इन शॉर्ट अभी आप ये समझें कि अगर ये API सही काम करेगी तो इस जगह पे हम आएंगे, इस हिस्से में, और अगर API में कोई इशू है, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, या APIs में इशू है, या हमारे कोड में इशू है, तो हम कैच के ब्लॉक में आ जाएंगे। और यहाँ मैंने एरर प्रिंट किया हुआ है। तो फिलहाल कंपोनेंट डिड माउंट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सबसे पहले ये रन होता है, सॉरी ये रेंडर के फंक्शन के बाद कंपोनेंट डिड माउंट रन होता है, लेकिन APIs यहीं पर लिखी जाती है। उसके बाद आप देख रहे हैं सक्सेस के केस में मैंने सेट स्टेट कर दिया, और सेट स्टेट के बाद मैंने आपको बताया था रेंडर का फंक्शन दोबारा कॉल होता है, लेकिन इसके साथ मैंने क्या किया, लोडर को हैंडल किया, लोडर को ट्रू कर दिया, और आइटम्स आइटम्स का एक वेरिएबल लिया था, इसमें रिस्पॉन्स डॉट डाटा आपने इस तरह से लिख देना। तो ये तीन चार लाइन्स का कोड जो है ये APIs को रन करेगा, उसके बाद सेट स्टेट के ज़रिए इज़ लोडेड ट्रू हो जाएगा, और आइटम्स में हमारा सारा डेटा आ जाएगा। अब आपको याद होगा सेट स्टेट कॉल होने के बाद रेंडर का फंक्शन कॉल होता है। अब आ जाए रेंडर के फंक्शन में। तो रेंडर के फंक्शन में ये सारा जो कोड है फ़िलहाल कंफ्यूज कर रहा है, इसको हम ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, ये कोड हमें कंफ्यूज करेगा। मैंने एक इजी कोड लिखा था, वो मैं आपके सामने ओपन कर लेता। तो बाकी चीज़ इसमें भी सेम है, आप देखिए ज़रा। रेंडर के फंक्शन में आए, इस सारे कोड को हम फिलहाल कमेंट कर देते हैं। ये लें, ये भी कमेंट हुआ, और ये मेरे ख्याल एल्स के लिए था, ये भी कमेंट हो गया। ये मैंने सेव कर दिया कंपोनेंट डिड माउंट में, ये देखें उसी तरह से सारा कोड लिखा हुआ। अब हम जाते हैं आउटपुट के ऊपर, ये वो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको हमें दोबारा चलाना पड़ेगा। इधर आए, npm स्टार्ट, यस, ठीक है, गेट API रिजल्ट्स। आप देखें जो APIs के रिजल्ट्स आए हैं ना, वो किस फॉर्म में शो हो रहे हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये अब हम रेंडर के फंक्शन में आके देखेंगे। रेंडर के फंक्शन में हमने JSON की पार्सिंग की है, वो भी बहुत इजी है। ये देखें, ये रेंडर के फंक्शन में दो बटन्स लगे हुए हैं, इनको इग्नोर कर दें, इस बटन को भी फ़िलहाल इग्नोर कर दें, हेडिंग को भी इग्नोर कर दें। ऑन ऑर्डर लिस्ट लिखी है, ये हमेशा आपने इसी तरह यूज़ करनी है। आपको याद होगा अभी मैंने आइटम्स में, ये देखें डेटा जो है वो सारा सेट स्टेट किया था, तो आइटम के पास सारा डेटा है, आइटम डॉट मैप, उसके बाद आइटम, और इस तरह से लिखना है, और लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम, और एक की सेट करनी है आइटम डॉट नेम। ये देखें, ये जो API का रिजल्ट आया था इसके अंदर क्या क्या था, यूज़र आईडी, आईडी, टाइटल और बॉडी, ये चार चीज़ें अब आपके पास आ गई हैं। अब आप इसमें से जो भी शो करना चाह रहे हैं वो यहाँ आप लिख दें। क्या लिखेंगे, हमने लिखा आइटम डॉट आईडी और आइटम डॉट टाइटल, हमने कहा सिर्फ ये दो चीज़ें लिखो, इनके दरमियान में आप जो लिखना चाहें यहाँ लिख दें,
ताकि टेस्टिंग हो जाए। अब वापस आएँ ब्राउज़र में और इधर आएँ, इसको रिफ़्रेश करें, इसको रिफ़्रेश करें, मैंने शायद ये देखें, यस यस ये नज़र आ रहा है आपको, यस यस। तो ये देखें, सबसे पहले हमने आईडी शो किया, उसके बाद यस यस, उसके बाद टाइटल। दोबारा कोड में आईडी, यस यस और टाइटल। तो टाइटल की जगह कुछ और यूज़ करके अभी देखते हैं। ये देखें, टाइटल की जगह हम बॉडी यूज़ करते हैं। चलें टाइटल की जगह बॉडी यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने कमांड एस किया, ये सेव हो गया। अब देखें वन, यस यस और बॉडी में चूंकि टेक्स्ट ज़्यादा था, ये देखिए सारा टेक्स्ट होना शुरू हो गया। तो ये सिंपल कंपोनेंट डिड माउंट में हमने सिंपल एक कोड लिखा गेट की एपीआई का, एक्सियोस डॉट गेट। एक्सियोस को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमने कर लिया। उसके बाद देन रिस्पॉन्स कंसोल लॉग, ये हमने अभी चेक नहीं किया, हमें सिर्फ सेट स्टेट से मतलब था। सेट स्टेट में हमने कहा इज लोडर ट्रू, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और आइटम्स में हमने सारा डेटा जो है वो रख लिया। इसी तरह ये जो मैंने अभी कोड कमेंट किया था, इसको मैं अनकमेंट करके आपको मज़ीद दिखाता हूँ। मैंने बटन्स लगा के एपीएस को कॉल किया। अब आपको थोड़ा सा सेट स्टेट का मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि सेट स्टेट हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं गेट की एपीआई कॉल करूं तो मुझे गेट की एपीआई का रिज़ल्ट आ जाए, और पोस्ट की एपीआई कॉल करूं तो मेरी पोस्ट की एपीआई कॉल हो जाए। पोस्ट की एपीआई के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहता है, गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या है वो भी रहता है। तो फिलहाल आप देखें कि गेट की एपीआई पे गेट के बटन पर गेट की एपीआई कॉल होती है, और पोस्ट के बटन पर पोस्ट की एपीआई कॉल होती है। किस तरह से हैंडल हो रही है, देखें रेंडर के फंक्शन में मैंने दो बटन्स लगाए, गेट एपीआई कॉल, पोस्ट एपीआई कॉल। गेट ए पी आई पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, माई गेट ए पी आई, और पोस्ट ए पी आई पे माई पोस्ट ए पी आई कॉल हो रहा है। ये ऊपर दोनों फंक्शंस लिखे हुए हैं। माई गेट ए पी आई में गेट की ए पी आई है, और पोस्ट की ए पी आई में ये पोस्ट की ए पी आई लिखी हुई है, एक्सियोस डॉट पोस्ट। पोस्ट की ए पी आई में जस्ट इतना डिफरेंस होता है, कोमा डाल के आपने आर्गूमेंट्स भी पास करने होते हैं। डिक्ट के नाम के आर्गूमेंट मैंने बनाए, ये डिक्ट यहाँ लिखी हुई है। क्या क्या आर्गूमेंट पास करने हैं, ये ए पी आई के साथ मैंशन होता है कि पोस्ट की एपीआई आपने कॉल करनी है, तो डिक्ट टाइटल फू और बॉडी बार ये आपने इस तरह से कॉल कर दिया। गेट और पोस्ट का इंट्रोडक्शन अभी हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, अगर ये कंफ्यूज करेगा तो इसके बारे में अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख के डिस्कस भी करेंगे। अभी आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करके देखें कि ये जो मैंने कोड कोड डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारा कोड मैं लिख दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये दो बटन्स के क्लिक्स के ऊपर आप देखें, ये गेट की एपीआई कॉल हुई, उसके बाद सेट स्टेट कॉल हुई है। सेट स्टेट में मैंने फ्लैग को वन कर दिया, रिस्पांस डाटा आइटम्स को दे दिया, फ्लैग वन कर दिया। इसी तरह पोस्ट की एपीआई में मैंने फ्लैग को टू कर दिया, और उसके बाद रेंडर के फंक्शंस में ये तीन चेक्स लगे हुए कि अगर दिस डॉट स्टेट डॉट फ्लैग हो तो यहाँ आ जाए इस एरिए में। इस एरिए में मैंने क्या लिखा हुआ है, सेम वही बटन्स दोबारा, और गेट ए पी आई रिजल्ट्स आफ्टर बटन क्लिक। और इसी तरह फ्लैग टू अगर क्लिक हुआ, यानी कि सेकंड बटन क्लिक हुआ है, तो आप इधर आ जाएं, और इधर सिर्फ इतना लिखा हुआ है, अक्सर पोस्ट का सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपने देखा कि पोस्ट की ए पी आई में रिस्पॉन्स कोई नहीं आया, क्योंकि पोस्ट की ए पी आई में जो रिस्पॉन्स आता है वो हमारे फ़िलहाल किसी काम का नहीं है। जस्ट हमें इतना पता चल जाए कि हमारा डाटा सर्वर पर पोस्ट हो गया, तो वो हमें सक्सेस के केस से पता चल रहा है। और एल्स में ये पार्ट है जो सबसे पहले चलेगा, जब हमने अभी किसी बटन पे क्लिक नहीं किया था तो ये पार्ट चलेगा। तो ये सिंपल एक गेट और पोस्ट की एपीआई की इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे कि गेट की एपीआई कब यूज़ होती है, पोस्ट की एपीआई कब यूज़ होती है, कुछ रियल टाइम सिनेरियोज़ देखेंगे, लॉगिन और रजिस्टर के पेजेस से डिस्कस करेंगे कि पोस्ट की एपीआई का हमें क्या बेनिफिट है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो हमें आपके कमेंट्स का, आपकी सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामुअलैकुम।